नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सत्र को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव नतीजों में अब तक आम आदमी पार्टी को 122, बीजेपी को 97 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिले। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। कोलंबिया में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी। और फुटबॉल में पुर्तगाल और मोरक्को फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन उनका स्वागत करते हुए श्री मोदी ने श्री धनखड़ को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री धनखड़ का जीवन सभी के लिए प्रेरक है। अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे, तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में आप में किसान और जवान दोनों समाहित। सभापति को बधाई देते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन के रक्षक की भूमिका अन्य जिम्मेदारियों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि G20 में भारत की अध्यक्षता गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि G20 शिखर सम्मेलन और G20 देशों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन P20 का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाएगा। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत सांसद मुलायम सिंह यादव और अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे संसद के शीतकालीन सत्र को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। शीतकालीन सत्र से पहले संसद परिसर में आज मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे बहस में युवा सदस्यों को भाग लेने का मौका दें। इससे उन्हें भविष्य के लिए खुद को संवारने में मदद मिलेगी। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि G20 विश्व के सामने भारत की क्षमता को दर्शाने का विशेष अवसर है। विपक्षी नेताओं ने आज संसद भवन परिसर में बैठक की और शीतकालीन सत्र के दौरान रणनीति अपनाए जाने के बारे में चर्चा की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, डीएम के नेता टीआर बालू, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामरम करीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला उपस्थित थे। बाद में ट्वीट संदेश में श्री खड़गे ने कहा कि संसद लोकतांत्रिक विचारों का अधिष्ठान है और विपक्ष वहां जनहित के सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप
newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली नगर निगम के अब तक के घोषित चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 131, भारतीय जनता पार्टी ने 99 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आम आदमी पार्टी अन्य 3, भाजपा 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली में 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर में कल होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 182 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना के लिए प्रदेश भर में कुल 37 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अहमदाबाद जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां 3 स्थानों पर मतगणना की जाएगी। वहीं सूरत और आणंद जिलों में 2-2 स्थानों पर मतगणना होगी और शेष जिलों में 1 स्थान पर ही मतगणना की जाएगी। इस बार पोस्टल बैलेट और ईवीएम से निकले मतों की गणना एक साथ ही की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। जनादेश 2022। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ। बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ताजा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नज़र शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंड अप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 से 9:30 तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10:00 तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा के बाद आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। रेपो दर अब 6.25% हो गई है। अक्टूबर से दिसंबर महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.5% से 6.6% रहने का अनुमान है। Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. This is one occasion where the market expectations and the decisions of the Monetary Policy Committee are by and large aligned. वित्त वर्ष 2023 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.5% था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए विश्व बैंक ने बताया कि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत ने वैश्विक समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2014-15 से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 7 वित्त वर्षों में देश में 443 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस वित्त वर्ष में अब तक देश में 84 अरब 84 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने देशभर के 50 शहरों में अक्टूबर से सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदाता अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। G20 समूह के देशों के शेरपा और आमंत्रित देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों ने आज राजस्थान में उदयपुर स्थित विख्यात कुंभलगढ़ किले की यात्रा की। ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में 3 दिन के विचार विमर्श के बाद इन सदस्यों ने कुंभलगढ़ किले और रणकपुर मंदिर की यात्रा की और देश के गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत हुए। त्रिपुरा में आज सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के बीच महानिरीक्षक स्तर की 3 दिवसीय वार्ता शुरू हुई। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि वार्ता के दौरान सीमा पर गश्त, तस्करी, घुसपैठ और कटीले तारों की बाड़ जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देशभर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल आज ही के दिन शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन एकत्र करने के लिए मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो संदेश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की है। ओलंपिक भारोत्तोलन की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने आज कोलंबिया में हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का ये दूसरा पदक है। चीन की चियांग हुआ ने 206 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ढाका में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 36वें ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। विश्व कप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। 2 दिन विश्राम के बाद शुक्रवार को 8:30 बजे पहले क्वार्टर फाइनल में 5 बार के चैंपियन ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना और नीदरलैंड सामने सामने होंगे। शनिवार को तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना पुर्तगाल से होगा। रोनाल्डो के बिना खेलने उतरी पुर्तगाल की टीम ने कल स्विट्जरलैंड को हराकर 16 वर्ष बाद अंतिम 8 में जगह बनाई। शनिवार को ही चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के सामने मौजूदा चैंपियन फ्रांस की चुनौती रहेगी। ये विश्व कप शुरू से ही उलटफेर का साक्षी रहा। ग्रुप स्टेज में बेल्जियम को हराने के बाद कल प्री क्वार्टर फाइनल में भी मोरक्को ने 2010 के चैंपियन स्पेन को शूटआउट में हराया। देखना होगा कि मोरक्को का ये जलवा पुर्तगाल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भी कायम रह पाता है या नहीं। जाफना और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा सोमवार से फिर शुरू हो जाएगी। 12 दिसंबर से जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेन्नई के बीच शुरू होने वाली अलायंस एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी। लद्दाख में उद्योग विभाग शिल्पकारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर उन्हें एक सफल उद्यमी बनाने में सहायता दे रहा है। विभाग ने लद्दाख और करगिल दोनों ही जगहों पर इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से सत्र को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव नतीजों में अब तक आम आदमी पार्टी को 131, बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। कोलंबिया में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी और फुटबॉल में पुर्तगाल और मोरक्को फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।